देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। देखो जो जिस इक्वेशन में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा एज ए वेरिएबल होगा, हम उसे कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, जिन इक्वेशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज ए वेरिएबल, जैसे कि आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अब देखो यहां पर ये आपके पास क्या इक्वेशन बन रही है और इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, साइन एक्स। तो इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, जिन इक्वेशंस में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेरिएबल होंगे। ओके, देखो आज हम करने वाले हैं, ठीक है, कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उससे पहले देख लो। देखो हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है, कि दिस इज पाई बाय टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, पाई 3π/2, 2π, 5π/2। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता था, ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो हमने यहां पर किया था कि जो साइन एक्स और कॉस एक्स हैं, कॉस एक्स का भी कर चुके हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू देखो आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, साइन एक्स क्या था, पीरियोडिक फंक्शन था 2π पर, कॉस एक्स भी 2π पर, और टेन एक्स था आपके पास पाई पर। यानी कि साइन एक्स की वैल्यू देखो, ये देखो ये वैल्यूज ऊपर आ रही है, ठीक है, यहां भी ऊपर आ जाएंगी, तो यहां देखो 0 to π, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज है, यहां पर अलग, ठीक है, यहां पर फिर से रिपीट होना शुरू हो रही है, जो यहां पर वैल्यूज होंगी वही यहां पर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि आफ्टर 2π वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यूज किसके 2π इंटरवल के बाद, और कॉस एक्स की वैल्यूज भी 2π इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, और टेन एक्स की, ठीक है, हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई रिपीट होना शुरू हो जाती है। ओके, देखो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है जब हमारे पास, ठीक है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो एक्स की वैल्यू अगर 0 और 2π के बीच में आ जाए, ठीक है, या इनके इक्वल आ जाए, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 to 2π के बीच में। ओके, देखो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय 3, तो एक्स क्या आता है, पाई बाय 3, तो हमने ये तो हमें पता है। ठीक है, देखो पाई बाय 3 जो है 60 डिग्री 0 और 2π के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कितने सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, ऐसे कितने सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, जब एक्स साइन एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होगी। ठीक है, तो वो चीज अभी हमने करनी है। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है जब एक्स की वैल्यू 0 और 2π के बीच में आती है। ठीक है, ओके, नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो जनरल सॉल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है, वो एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एन। ठीक है, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एन, ठीक है, विच गिव्स ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ठीक है, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, जो वैल्यूज हमारी एक्स के 0 और 2π के बीच में आएगी, अभी हम करेंगे कैसे है। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन होता है वो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन जिसमें इंटीजर एन इन्वॉल्व होगा और जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देगा। ठीक है, उसे हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल टू, जब मेरे पास साइन वाई होता है तो एक्स की वैल्यू आती है, ये भी अभी इंप्रूव करेंगे, n π ± 1 raised to power n इंटू वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो n इंटीजर आ गया और ये एक्स जो है इसका सॉल्यूशन आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ n। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो इसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये भी करेंगे। ठीक है, आ जाओ,
एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास ये है साइन एक्स इज इक्वल टू 3 बाय, तो देखो साइन एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई पाई बाय 3, ठीक है लिख सकते हैं। देखो क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब देखो साइन एक्स क्यू साइन पाई बाय 3, ओके। देखो तो जो साइन पाई बाय 3 है, ठीक है, इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3 इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो देखो यहां क्या होता है, मेरे पास पाई माइनस थीटा, देखो पाई बाय 2 + थीटा मैंने इसलिए नहीं लिखा, अगर पाई बाय 2 + थीटा लिखता, ठीक है, तो मेरे पास होता ये कॉस में चीज होता, लेकिन पाई है तो पाई पर साइन साइन ही रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास साइन पॉजिटिव होता है तो पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही यही आएगा, ठीक है। तो दो वैल्यूज आ गई क्या, साइन पाई एंड साइन पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, फिर साइन पॉजिटिव का मतलब यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, ठीक है। तो मेरे पास ओनली कितने सोल्यूशन आएंगे, ये 2 सोल्यूशन आएंगे, यानी कि साइन पाई बाय 3 एंड साइन 2 पाई बाय 3। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3। तो हमने यहाँ पे यही चेक करना है कि 0 और 2 पाई के बीच में साइन एक्स की वैल्यू √3/2 का होती है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना जरा, देखो पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री एंड 2 पाई बाय 3 का मतलब है 120 डिग्री, ओके। देखो 60 डिग्री के ही यहां पर आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो जो आपके पास 120 डिग्री है तो वो पाई बाय 2 और पाई के बीच में ही आएगा, नहीं पाई बाय 2 और 2 पाई बाय 3, 60 + 120, ठीक है। वो कहाँ आएगा, कहीं पाई बाय इसके बीच में ही आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये देखो यहां और यहां दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल है ना, ठीक है। तो वही चीज है ये, ओके। तो यहां तो नहीं होने वाली इक्वल, तो देखो तो साइन एक्स की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ रही है ये, तो ये जो सॉल्यूशन आया हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या कहते हैं हम इसे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन साइन एक्स इज इक्वल साइन वाई देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू वाई, ठीक है। देखो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन। देखो y हम ये फर्स्ट वैल्यू लेंगे, फर्स्ट वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 3, ओके। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन हुआ और ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यही हमने करना है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मेरे पास मान लो एक आ गया टेन एक्स इज इक्वल टू -1/√3, ठीक है। देखो टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस, ऐसे तो टेन अंडरूट थ्री कब होता है, 1/√3 पाई बाय 6 पे होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो टेन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिख दूं मैं इसको, टेन पाई माइनस पाई बाय 6 लिख दूं, ठीक है। पाई माइनस पाई बाय 6, पाई पर चेंज नहीं होगा, नो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो टेन पाई माइनस पाई बाय 6 क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन माइनस टेन पाई बाय 6, ओके। नाउ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है टेन, और यहां क्या होता है मेरे पास 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकता हूं। देखो टेन 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या आएगा, -10 पाई बाय 6, सेम वैल्यू आ रही है, उसके बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 10 5 पाई बाय 6 एंड 10 11 पाई बाय 6। तो यहां पर कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यूज क्या जाएंगी मेरे पास, 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6, ओके, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन अभी हम करेंगे आगे, ठीक है, ओके। यहां तक पूछना कुछ, आ जाओ आगे है मेरे पास जनरल सॉल्यूशन। देखो हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं,
देखो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो हो तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या थी एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और अगर मेरे पास कॉस एक्स की वैल्यू जीरो हो तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आती थी टू एन प्लस वन इन टू पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हम करने वाले हैं, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अगर मेरे पास पहला है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई की फॉर्म में आएगा तो डेट इंप्लाइज एक्स की वैल्यू आती है मेरे पास एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इन टू वाई। अब ये देखो इसका सॉल्यूशन, ये वैल्यूज कैसे आती है, देखो इसको यहां ले जाओ तो क्या जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज साइन सी माइनस साइन डी, तो टू कॉस क्या जाएगा एक्स प्लस वाई बाय टू एंड साइन एक्स माइनस वाई बाय टू, प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर टू एक्स कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो होगा, या तो फिर मेरे पास साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब देखो जब कॉस एक्स जीरो होता है एंगल तो एक्स की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, यहां पर एंगल क्या एक्स जाती है आपके पास एक्स प्लस वाई बाय टू, तो क्या वैल्यू आएगी इज इक्वल टू एन प्लस वन इन टू पाई बाय टू, और जब मेरे पास साइन जीरो होता है तो एक्स की वैल्यू क्या है यानी कि यहां पर एक्स की जगह क्या है एंगल एक्स माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू क्या आएगा एन पाई, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी टू एन पाई प्लस वाई, ठीक है। और यहां क्या वैल्यू आ जाएगी टू से टू कट गया एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू पाई माइनस वाई लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो इस चीज को मैं लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू पाई प्लस माइनस वन इन टू वाई लिख सकता हूं, ओके। अब देखो एक चीज, अब मुझे ये सॉल्यूशन दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है, ढंग से देखना। इसको मैं एक्स को यहां लिख रहा हूं टू एन प्लस वन इन टू पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर टू एन प्लस वन इन टू वाई, क्या फर्क पड़ रहा है, देखो माइनस वन है या वन माइनस वन तो हमेशा आएगा ही आएगा, तो आप यहाँ एन की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो ये ऑड नंबर ही आएगा, टू एन प्लस वन ऑड ही आएगा तो ये हमेशा माइनस वन रहेगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस वाई, ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं माइनस वन रेज टू पावर टू एन इन टू वाई, एन की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो ये वन आएगा तो प्लस ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो तो मैं एक्स की वैल्यू लिख सकता हूं एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इन टू वाई, ठीक है, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं तो ये चीज मैं लिख सकता हूं, ठीक है। देखो कंबाइन कैसे, जब देखो आप एन की वैल्यू यहां पर पुट करोगे वन, ठीक है, वन पुट करोगे तो क्या आएगा कुछ थ्री पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर, ठीक है, माइनस वन रेज टू पावर वन पुट के तो वन और वाई, ठीक है। यहां आप पुट करोगे तो क्या आएगा, यहां एन अगर वन पुट करोगे तो क्या आएगा टू पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर टू इंटू वाई, ढंग से देखो। देखो जब जीरो पुट करोगे यहां पर जीरो तो क्या आएगा पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर वन, ठीक है, यहां तो थ्री आएगा और वाई ये चीज आएगी, ठीक है। देखो पाई थ्री पाई यहां पुट करो टू पाई तो कंबाइन करोगे तो मेरे पास क्या आएगा पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, तो ये वो चीज आ रही है कंबाइन करने पर, ओके, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। जैसे कि आपके पास था साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाय टू, तो हम इसको क्या लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय थ्री, तो जनरल सॉल्यूशन कंपेयर करो एक्स की जगह एक्स तो एक्स इज इक्वल टू और वाई की जगह क्या जाएगा पाई बाय थ्री, सब्स्टिट्यूट कर दो क्या जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इन टू पाई बाय थ्री एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये जो है मेरे पास ये आ रहा है मेरे पास जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, ओके। आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास
व्हेन कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, फिर टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई के लिए करेंगे, ठीक है। मैं लफ कर दिया। देखो नेक्स्ट हमारे पास व्हेन कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस, ठीक है। अगर मेरे पास कॉस एक्स कॉस वाई के इक्वल, सेम प्रोसीजर, कॉस वाई को लेफ्ट साइड ले आओ, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू जीरो, नाउ दिस इज कॉस सी माइनस कॉस डी, तो क्या कहा, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू विच इज इक्वल टू जीरो, एंड दैट इंप्लाइज साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो एंड साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो देखो जब मेरे पास साइन एक्स जीरो होता है तो किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू क्या होगा, पाई, और एक्स क्या जाएगा टू पाई, टू पाई माइनस वाई यही आएगा, ठीक है, सॉरी एन पाई, मेरे पास क्या जाएगा टू एन पाई माइनस वाई, और यहां से क्या जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू एन पाई एंड एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस वाई, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठी करो तो क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, लिख सकते हैं वेयर एन बिलोंग्स टू क्या जाएगा इंटीजर, देखो टू एन पाई वाई वाई टू एन पाई वाई माइनस माइनस प्लस ये प्लस, तो ये कंबाइन करके आ गया, ठीक है। तो व्हेन कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई देन जनरल सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन tan x इज इक्वल टू tan y होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan x माइनस tan y इज इक्वल टू जीरो, नाउ व्हाट इज tan x, tan x इज sin x अपॉन cos x एंड माइनस sin y अपॉन cos y लिख सकते हैं, नाउ टेक एलसीएम cos x cos y और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा sin x cos y माइनस cos x साइन वाई इज इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास देखो ये क्या बचा हुआ, दिस फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस वाई, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो गया जीरो, तो ये कब होता है जीरो, जब साइन जीरो होता है तो एक्स की वैल्यू कहती है एन पाई, तो एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा एन पाई, यहां देखो एक्स है एंगल तो यहाँ एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू हुआ तो यहाँ एक्स माइनस वाई हो जाएगा, where n belongs to integer, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n pi plus y, okay, where n belongs to integer, ठीक है। तो this is the general solution of when tan x is equal to tan y, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब आ जाओ next हम करेंगे अब topic next exercise, okay।